चलिए नमस्कार किसान भाइयों, इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खास प्रमुख खबर और अपडेट आज के वीडियो में शामिल है। तो भाई अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो भाई आज का जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरी वीडियो पर बने रहिए, जानेंगे अगले किस्त के पेमेंट के बारे में क्या अपडेट है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि पति पत्नी है तो क्या दोनों को मिल सकता है, तो मिलेगा या नहीं उसको लेकर क्या जानकारी है आज के वीडियो पर जानेंगे। काफ़ी सारे पहलुओं को गौर करेंगे, देखेंगे क्या लेटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो पर जानेंगे। तो भाई पूरी वीडियो पर रहे, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। ऐसी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। किसान भाइयों, आ रही खबर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना पैसा आने में इस बार देरी हो सकता है। केंद्र सरकार अभी लाभार्थियों के डाटा से लैंड रिकॉर्ड की मैच करवा रही है। लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन हो रहा है, इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद पैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इस बारे में मंत्रालय ने राज्यों में पीएम किसान के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करके काम तेजी करने को कहा है। किसान भाइयों, बताया गया है कि 25 सितंबर तक यह काम पूरा हो सकता है, इसके बाद पैसे ट्रांसफर किया जाएगा। यानी 25 सितंबर के बाद जब वेरिफिकेशन वाला काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो पैसे ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया है शुरू होगी करके। तो वहीं किसान भाइयों, बताया जा रहा है कि नवम्बर तक पैसा कभी भी भेजा जा सकता है और उम्मीद ये है कि 15 अक्टूबर तक किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिल सकता है। तो चलिए किसान भाई, इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक किसानों को 2,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कि अभी 25 सितंबर तक किसानों का डाटा वेरिफिकेशन किया जाएगा, लैंड मैचिंग किया जाएगा और उसके बाद जो पैसे ट्रांसफर का जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। आधिकारिक घोषणा अभी भी नहीं आई है। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्यों हो रहा है वेरिफिकेशन। तो कुछ लोगों ने इसकी में गलत तरीके से फायदा लिया है, इसलिए अब कई स्तर पर किसानों का वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे में अब सरकार न सिर्फ लाभार्थियों का ईकेवाईसी करवा रही है बल्कि उनके दिए गए रिकॉर्ड को लैंड रिकॉर्ड से मैच भी करवा रही है। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों का डाटा सही हो और उन्हें भविष्य में भी पैसे में मिलने में कोई दिक्कत न आए। सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत में अपात्रों के हाथ पैसा न जाए, वहीं कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न हो। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि क्या पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो भाई इसको लेकर जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान परिवारों के लिए है। किसान का आशय है पति पत्नी और नाबालिग बच्चों यानी परिवार में पति पत्नी दोनों को किस्त नहीं मिल सकता, भले ही दोनों के नाम से अलग अलग खेत हैं। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है, यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6,000 रुपये सालाना यानी कि 2,000 रुपये का 3 किस्त डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट पर सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता, चाहे उनके पास अलग अलग जमीन भी क्यों ना हो, जैसे कि जानकारियां सामने आई हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे। फिलहाल जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि भाई आप किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अपना विचार रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी जोर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।